हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो इधर मैं कर लेती हूँ सब्जी को कट। तो ये आज मुझे खुरती की फरी बनानी है, तो इसको ही मैं कट कर रही हूँ। और ये फरी ना थोड़ी छोटी छोटी वाली हैं, तो इनको कट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि इनमें ना रेसे रेसे से निकलते हैं, तो फिर इनको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। जो बड़ी वाली होती हैं, थोड़ा लंबी वाली, तो उनमें रेसे कम निकलते हैं, और ये छोटी वालियों में ज़्यादा निकलते हैं। मतलब होता है ना इनमें, मतलब देसी वैरायटी से, तो ये देसी वाली हैं शायद, तो इस वजह से इनमें ज़्यादा रेसे निकलते हैं। तो मैंने सोचा शायद ऐसे चाकू से काटूंगी, तो शायद नहीं निकले, निकल रहे थे वो। तो फिर मैं ऐसे हाथ से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुंह में आती हैं, खाने में बहुत गंदी लगते हैं, फिर वो रेसे से ऐसे मुंह में आते हैं खाने में। तो मैंने सारी फरियों को अच्छे से साफ़ कर लिया है और पानी में डाल दिया है, क्योंकि मैंने पहले इनको वॉश नहीं किया था। तो अब मैं इनको वॉश करने के बाद सब्जी को छौंक दूंगी। तो इधर मैंने टमाटर प्याज भी भून गए मेरे लगभग, क्योंकि कढ़ाई को मैंने थोड़ी स्लो पर रख गई थी। तब तक मैंने खुरती की फरियों को साफ़ किया, क्योंकि उनमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे खाली टाइम मिलता है मैं वैसे तभी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई, तो आज मुझे मॉर्निंग में ही साफ़ करना पड़ा। तो कम से कम आधा घंटा लग गया इनको साफ़ करने में, क्योंकि अकेले में और लेट हो जाता है, दो या तीन लोग रहते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। तो मैंने अकेले ही साफ़ किया था, मुझे फिर आधा घंटा हो गया। तो मैंने सब्जी को छौंक दिया है और बनने के लिए छोड़ दिया। और फिर सब्जी को छौंकने के बाद और मेरा सब्जी बन भी गया, और मैं थोड़ा सा आम मिर्च भी बनाऊंगी, तो बस थोड़े से ही मैंने आम मिर्च भी छौंके थे, तो वो भी बन गए। और मतलब खाना पीना तो मेरा हो गया। फिर खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक मेरा सूट काफ़ी टाइम से पड़ा है, मैंने आधा सिल दिया था और आधा रह गया था, तो आज मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी। तो आज उसको ही कर रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ही रह गया उसका फिटिंग वगैरह। वैसे तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे पास में लेस वगैरह मिलता नहीं है, तो हम लोग बाहर जाते हैं तब मैं लेस लेके आई। फिर मुझे लटकन बनाने थे ऐसे लेस लगा के, तो वही मैं आज लटकन बना रही हूँ सूट के। तो मतलब घर का भी काम करना जैसे पड़ता है, मतलब मुझे टाइम मिलता है थोड़ी बहुत सिलाई में सिलाई कर लेती हूँ। तो सब ने खाना भी खा लिया था और बच्चे सो गए थे, तो सोचा मैं अब थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू रहता है तो वो सिलाई भी नहीं करने देता मुझे, इधर उधर सारा ले जाएगा धागे को खींच के, तो बाबू सो जाता है, तभी मैं थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ। और वैसे भी कपड़े रखे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कब इनको सिलो, एकदम बोझ सा रखा रहता है। तो वही है, इधर मेरा सूट लगभग सिल गया, बस मुझे थोड़ा बहुत लटकन लगाने थे, तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो अब मैं इसको हाथ से लटकन लगा लेती हूँ इसमें, क्योंकि मशीन से लगाते हैं तो एकदम अच्छा सा नहीं लगता, वो दिखता है, तो इस वजह से मैं ऐसे धागे से ही लगाऊंगी हाथ से। मशीन से एकदम सिलाई दिखने लगती है पीछे बैक में, तो मैंने सोचा हाथ से ही लगा लेती हूँ। और मेरा बाबू सो रहा है, तब तक मुझे ये काम करना है, क्योंकि वो एक बार जग गया तो फिर सोता भी नहीं है, और मुझे मशीन भी नहीं चलाने देता, तो इस वजह से वो अभी एक दो घंटे सोएगा। तो तब तक मैंने सोचा अपना ये काम कर लेती हूँ, फिर बाबू जग जाएगा तो फिर उसका भी काम हो जाता है, दूध वगैरह पिलाओ, फिर वही है, उस बच्चों को जगने के बाद मम्मा चाहिए। तो ऐसे मैं देख रही थी, बड़ा तो नहीं है, क्योंकि बड़ा रहता है तो फिर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं सोच रही थी मीडियम साइज की ही बनाऊं, लेकिन वो फिक्स बनी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनी और छोटी भी नहीं बनी। तो मैं इनको ऐसे हाथ से टक कर लेती हूँ अंदर से, ताकि बाहर का धागा दिखे ना। फिर मेरा सूट हो गया कंप्लीट, और मैंने ऐसे इसमें मतलब पफ वाली डिज़ाइन डाली है, ऐसे जैसे अभी पहनने के बाद दिखाई देगी बाजू में तो डिज़ाइन, और बाजू पर भी मैंने थोड़ा सा लेस लगा दिया है, क्योंकि लेस पतला वाला था, तो मैं सारे सूट के लिए लेस लेके आई थी और पजामी के भी लिए, बस लटकन के लिए कम पड़ गया था। तो ये सूट मेरा काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा, तो ऐसे मैंने इसमें लटकन बनाए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने पहली बार ही ऐसे लटकन बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाले लटकन चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। तो पहली बार में ही बहुत अच्छे आ गए और बहुत अच्छे से बन गए।
तो ये मेरा सूट पूरा हो गया कंप्लीट। और इसका मतलब तुरफन वगैरह सब कुछ मैंने पहले ही कर लिया था, बस मुझे लटकनी लगाने थे और थोड़ा बहुत फिटिंग करना था, वो भी कर लिया। और ये इसकी पजामी बनाई थी मैंने, तो पजामी पर भी मैंने ऐसे नीचे लेस लगाई है, तो बहुत अच्छी लग रही है डिजाइन, मतलब लेस से ही डिजाइन बनाई है। और मेरा ये सूट हो गया कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा था तो मैंने सोचा आज इसको पूरा कर ही दूँगी। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो इधर मैं कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में मैंने सब्जी को छौंक दिया है, और सब्जी को छौंकने के बाद फिर मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि सब्जी को मैं पहले ही छौंक देती हूँ, तब तक आटा वगैरह बर्तन साफ़ करते हैं तब तक सब्जी भी बन जाता है, तो इस वजह से मैं हमेशा सब्जी पहले ही छौंकती हूँ, फिर नहीं इंतज़ार करना पड़ता है सब्जी के बनने का, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना पड़ता है मुझे शाम को वॉकिंग करने के लिए। सारे दिन तो घर में ही रहते हैं, तो थोड़ी देर शाम को चली जाती हूँ तो अच्छा भी रहता है और माइंड फ्रेश भी हो जाता है। तो इधर अब मैं लगा लेती हूँ आटा, और आटा भी मैं गूँथ लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ आटा लगाते हैं तो अच्छे से रोटी भी नहीं आती, तो मैंने सोचा आटा भी लगा के रख जाती हूँ। वैसे ज़्यादा देर के लिए वॉकिंग करने के लिए नहीं जाऊँगी मैं, आधा घंटा के लिए ही वॉकिंग करने के लिए जाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, तो आटा लगाने के बाद मैंने लगाया था झाड़ू। बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। और देखिए कितना सारा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आई हूँ किचन से थोड़ा हवा लेने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा गर्मी कितनी भी हो। तो इधर मेरी सारी तैयारी, लगभग ज़्यादा गर्मी है इधर। और बाबू ये मम्मा के साथ क्या बोल रहा है, बे 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 बे, गंदा बच्चा। हेलो कर दो, बस 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 बस, चल चोटी बनाती हूँ तुम्हारी, जाओ रबड़ लेके आओ। और अब बना देती हूँ बाबू की चोटी, और चोटी तो मैं उसकी बनाती रहती हूँ, पर सारी मतलब रबड़ को खींच लेता है और एक मिनट के लिए रबड़ को लगा नहीं रहने देगा बालों में, और ऐसे खींच लेगा सारी रबड़ को। पकड़ लिया बाबू ने भाई को, पकड़ लिया। तो वॉकिंग करने के बाद फिर हो गया था शाम का टाइम, मतलब दीपक लगाने का टाइम। तो इधर अब मैं लगा लेती हूँ दीपक, तो इधर मैं वही कर रही थी, बच्चे भी आ गए मेरे साथ में, तो इधर मैं आ गई दीपक लगाने के लिए। और यहाँ मंदिर में दीपक लगाने के बाद फिर मैंने तुलसी माता जी पर भी दीपक लगा दिया। और बाबू को देखिए कैसे बैठा है। बाबू चलो अंदर, चलो जल्दी, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो आ गए, जल्दी चलो। मंदिर गई थी तो यहाँ पर टीका लगवाया है बाबू ने। मंदिर से आए हो ना बाबू, कहाँ गए थे? मंदिर, कहाँ गए थे? मंदिर, टीका लगवाया। जय कर दो, जय कैसे करते हो बाबू? ऐसे जय करते हो, गुड बॉय। और अब बनाती हूँ खाना, क्योंकि हो गया अब खाने का टाइम। वैसे तो मैं तैयारी करके गई थी, बस रोटियाँ बनाना है, तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और बाबू कर रहा है। और दीपक लगाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और मैंने सोचा थोड़ा हलवा बना लेती हूँ, तो मैं इधर बना रही हूँ आज सूजी का हलवा। तो इधर मैंने एक तरफ रख दिया दूध को गर्म करने के लिए, और एक तरफ बना लेती हूँ हलवा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था, तो ऐसे मन कर रहा था तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। तो इधर मैंने सूजी को मतलब वैसे तो भून के रखा था, लेकिन मुझे लग रहा था सूजी थोड़ा कम भुना था मुझ पर, तो उसको मैं थोड़ा भूज लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि भुनी हुई है, बस हल्का सा और भूजना है। थोड़ा मुझे कच्चा कच्ची सी लग रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी पता नहीं चला होगा, मुझे अच्छे से नहीं भुनी थी वो। और हलवा भी होने वाला है रेडी, और मेरा दूध भी हो गया गर्म, तो साथ साथ में इतने सारे काम भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो यही रहता है मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग वाला रूटीन। तो मैं ऐसे ही करती हूँ अपने घर के सारे काम, और जो भी जैसे मतलब मुझे टाइम मिलता है उसमें सिलाई भी कर लेती हूँ। वैसे मैं बाहर की सिलाई नहीं करती, बस अपनी ही कर पाती हूँ। तो इधर मैंने तवा भी रख दिया है गर्म करने के लिए, तो अब बना लेती हूँ रोटियाँ। तो रोटी बना के दे देती हूँ खाने के लिए बच्चों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं खाना बनाने के बाद भी थोड़ी देर फिर घूमने चली जाती हूँ, क्योंकि इतना तेज़ गर्मी लगता है बहुत ज़्यादा, तो फिर खाना खाने के बाद हम सब जाते हैं फिर घूमने। देखिए फ्रेंड्स कितना गर्मी हो रहा है।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और देखिए कितना पसीना आ गया मुझे खाना बनाते टाइम, बहुत ज़्यादा पसीना आया है। तो इन सब ने तो खाना खा लिया है और अब खा लेती हूँ मैं खाना। तो मैंने अपने लिए लगा ली है प्लेट खाने के लिए, और आप सब भी आइए खाइए हम मेरे साथ। तो इसके बाद करूँगी किचन और बर्तन को साफ।